My dear students, welcome you in this video. Today the topic is transformation. Transformation means to transform one sentence into other sentence without changing meaning or sense is called transformation. इन हिंदी बिना अर्थ या भाव बदले हुए वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. रूल नंबर फर्स्ट, बाय ट्रांसफॉर्मिंग एडवर्ब टू. एडवर्ब टू इज इक्वल टू सो और वेरी और ग्रेट. टू इज इक्वल टू दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट और कुड नॉट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस और वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, माय ग्रैंडफादर इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली. माय ग्रैंडफादर इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली. द लाइन वॉज टू ओल्ड टू हंट. The lion was so old that he cannot hunt. If there is no infinitive after adverb two, adverb two change into extremely or excessively or beyond proper limit in the end of the sentence. For example, it is too cold today. It is extremely cold today, or it is excessively cold today, or it is cold today beyond proper limit. Now in Hindi, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ दिए हुए वाक्य को दूसरे वाक्य में बिना अर्थ या भाव बदले बदल देना ट्रांसफॉर्म करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. इसका पहला नियम है एडवर्ब टू को हटाकर, अर्थात एडवर्ब टू को जब हटाते हैं तो या तो सो या वेरी या ग्रेट में चेंज कर देते हैं, और टी ओ टू को हटा करके दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट में बदल देते हैं, और बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस को लिख देते हैं, जो शेष वाक्य होता है उसे लिख देते हैं. बच्चों यहां पर ध्यान देने की ये बात है, यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग होगा, यदि सेंटेंस पास्ट का है तो कुड नॉट का प्रयोग होगा. फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रांड फादर इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली. My grandfather is so weak that he cannot walk properly. अर्थात टी डबल ओ टू एडवर्ब को सो में बदल दिया, सो में बदल दिया, और इस टू को दैट जैसा कि लिखा हुआ इज इक्वल टू दैट सब्जेक्ट माई ग्रांड फादर के लिए ही आएगा, और कैन नॉट यहां पर इज दिया इसलिए कैन नॉट, और शेष रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, शेष वाक्य वॉक प्रॉपरली. तो सेंटेंस बना माय ग्रैंडफादर इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली. अब दूसरा एग्जांपल, द लाइन वाज टू ओल्ड टू हंट. द लाइन वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट हंट. यहां वाज दिया तो कुड लगा दिया. नोट, यदि एडवर्ब टू के पश्चात टू का के ना आने पर, अर्थात यूज ऑफ टू विदाउट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, टू प्लस वी पावर वन, अर्थात इट इज टू कोल्ड टूडे, इट इज टू कोल्ड टूडे, अर्थात जिस तरीके से फर्स्ट वाक्य में देखिए ये टू वाक आया है, ये इन्फिनिटिव है, ऐसा इस वाक्य में नहीं है. ऐसा ना होने पर एडवर्ब टू को या तो एक्सट्रीमली में बदलते हैं या एक्सेसिवली बदलते हैं या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदल देते हैं.
तो इट इज टू कोल्ड टुडे, अर्थात इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे, अथवा इट इज एक्सेसिवली कोल्ड टुडे, अथवा इट इज कोल्ड टुडे बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। बच्चों यदि हमें बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट में चेंज करना है तो इसे बाद में लिखा जाता है, और एक्सेसिवली और एक्सट्रीमली टी डबल टू के ही स्थान पे लिखा जाता है। इस प्रकार से एडवर्ब टू को हटा करके हम किस प्रकार से एक वाक्य का दूसरा वाक्य बनाते हैं। अब एडवर्ब टू का प्रयोग करके, चूंकि ये इंटरचेंज है इसलिए अभी एडवर्ब टू का प्रयोग किया हुआ था उसे हटा करके हमने दूसरा वाक्य बनाया। अब एडवर्ब टू का प्रयोग करके हम दूसरा वाक्य बनाएंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग एडवर्ब टू, रोल, सो आर वेरी आर ग्रेट चेंज इन टू टू, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट और कुड नॉट चेंज इन टू टू प्लस रिमेनिंग सेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द बी रूल एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट चेंज इन टू टी डबल टू। फॉर एग्जाम्पल, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। इन द नोट आई हैव क्लियर दैट इफ देयर इज फॉर मी चेंज इन टू आई, फॉर अस चेंज इन टू वी, फॉर हिम चेंज इन टू ही, फॉर देम चेंज इन टू दे, सो ऑन। नाउ द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, आई चेंज इन टू फॉर मी, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट पास, ही वॉज टू वीक टू पास। नाउ इट इज एक्सट्रीमली हॉट टूडे, इट इज हॉट, इट इज एक्सट्रीमली हॉट टूडे, इट इज टू हॉट टूडे, इट वॉज एक्सेसिवली डार्क आउटसाइड, इट वॉज टू डार्क आउटसाइड, द विंड इज स्ट्रांग बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, द विंड इज टू स्ट्रांग। नाउ इन हिंदी बाय यूजिंग एडवर्ब टू, अब एडवर्ब टू का प्रयोग करके रूल है सो या वेरी या ग्रेट को एडवर्ब टू में बदलकर, और दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट को टू में बदल कर, और फिर शेष रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस लिखा जाएगा। बी रूल में क्या है कि यदि एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखा हुआ है तो एडवर्ब टू में बदल देते हैं। द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम, तो द ट्री इज सो के स्थान पर टी डबल ओ टू जैसा कि लिखा हुआ है, तो द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। सेकेंड, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट पास, तो ही वॉज टू वीक टू पास। इतना पार्ट हटा करके टी ओ टू का प्रयोग करते हैं, और सो को हटा करके टी डबल ओ टू का प्रयोग करते हैं। थर्ड, इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे, इट इज टू हॉट टुडे, जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि एक्सट्रीमली एक्सेसिवली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट टी डबल ओ टू में बदल जाता है, तो इट वॉज एक्सेसिवली डार्क आउटसाइड, इट वॉज टू डार्क आउटसाइड, द विंड इज स्ट्रांग बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, द विंड इज टू स्ट्रांग।
और बच्चों जैसा कि ये एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट, कि यदि चूंकि ये इंटरचेंज है तो जैसे नीचे का सेंटेंस दिया, सेंटेंस एग्जाम्पल नंबर वन को देखें, यदि ये सेंटेंस दिया द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, और इसको जब हम एडवर्ब टू को हटाएंगे तो ऊपर वाला सेंटेंस बनेगा, और जैसा कि देखा कि टी डबल टू को सो में बदलेंगे, फॉर मी को आई में, फॉर मी को दैट के बाद सब्जेक्ट बनाएंगे, और इसलिए फॉर मी को आई में बदल दिया, और यहां पर आई दिया है तो फॉर मी में बदल दिया है, ऐसा मैंने यहां पर लिख दिया है कि फॉर मी इस तरीके से फॉर मी फॉर अस हिम सो ऑन, आई वी क्रमशः में बदल जाता, और वाइस वर्सा मींस होता है कि ये जो रूल लिखा है इसका उल्टा, इस तरीके से अगर ये दिया है तो इसमें बदल जाएगा और ये दिया है तो इसमें बदल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को शुरुआत किया है, और इसमें पहला नियम था जो अभी पढ़ा दिया है, यह पहला नियम है कि नियम तो इस प्रकार से है कि रिमूवल आर यूज ऑफ एडवर्ब टू, तो मैंने लिख दिया कि बाय ट्रांसफॉर्मिंग एडवर्ब टू या रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, और उसके बाद बाय यूजिंग एडवर्ब टू, और मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।